कोई भी समाज पारस्परिक सद्भावना के बिना टिका नहीं रह सकता। आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो ये और भी जरूरी था कि देश के सभी लोग धर्म और जाति को भुलाकर एक हों, देश को स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय हों। जन्नालाल बजाज ने अपनी पूरी क्षमता के साथ हिंदू मुस्लिम एकता एवं छुआछूत जैसी चुनौती का विरोध किया। उनका मानना था कि जब तक हम अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय नहीं पा लेते, बाहरी ताकतें हम पर हावी ही रहेंगी, हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। भाई की अगर भाई की रक्त का प्यासा हो जाएगा तो अंग्रेजी सत्ता तो इतना फायदा उठाना ही चाहेगी। एक बार की बात है, नागपुर में हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी तनाव था। जमनालाल जी वहाँ पहुँचे तो इंदंगायन उन्हें वहाँ से जाने को कहा, परंतु ऐसी स्थिति में भला जमनालाल जी वहाँ से कैसे जाते। इतने में ही किसी ने उन पर पत्थर दे मारा जिससे उनकी बाजू में खून निकलने लगा। खून देख कर दंगाई सख पकाए और दंगा रुक गया। जमनालाल जी बाजू पर बाद में टांके लगाए गए। जब ये बात गांधी जी तक पहुँची तो उन्होंने पत्र लिखा, ये गांधी जी लिखते हैं, मुझे तुम्हारे चोट लगने की खबर से ज़रा भी दुख नहीं हुआ। मेरा विश्वास है कि हम जैसे कई लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। जहर इतना फैल चुका है कि बेईमानी इतनी बढ़ चुकी है कि इस महाविपत्ति के से बचने के लिए हम में से कुछ पवित्र लोगों को अपनी बलि भी देनी पड़ सकती है, गांधी जी लिखते हैं। मुझे यह भी याद पड़ता है कि सामाजिक विघटन को मिटाने के लिए जमनालाल जी ने स्वयं अपने पारिवारिक लक्ष्मीनारायण मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खुलवाए तथा धर्मशाला के कुएं से हरिजनों की को पानी लेने के लिए अपने परिवार के ट्रस्ट से आज्ञा भी ले ली थी। ऐसा नहीं कि उनके मतभेद अन्य लोगों से नहीं थे, राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक ही है, परंतु इनके कारण उनके व्यक्तिगत संबंध अप्रभावित रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद सुभाष चंद्र बोस कई बार बजाजवाड़ी में रहे, परंतु जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग की पार्टी बनाई तो वे एक दिन वर्धा में आकर बजाजवाड़ी के सामने एक विरोधी जनसभा को संबोधित करने लगे। उस समय भी जमनालाल जी सुभाष चंद्र बोस के पास गए और उनको बजाजवाड़ी में रहने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि उनके इस निमंत्रण को सुभाष चंद्र बोस ने बड़े ही विनम्र शब्दों में अस्वीकार कर दिया, परंतु जमनालाल जी ने उनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया उसे सुभाष चंद्र बोस प्रभावित हुए बिना न रह सके। आज जब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, ऐसी नीतियां बन रही हैं कि अधिक से अधिक निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में आगे आए तो सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी तो सरकार से हटकर निजी क्षेत्र की तरफ आ जाता है, जैसा कि राहुल बजाज कर रहे हैं। ऐसे में मुझे तो लगता है गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा कम से कम सैद्धांतिक रूप में स्वीकारी जानी आवश्यक है। यहाँ पर यह मानना जरूरी तो हो जाता है कि व्यवसाय में ईमानदारी और सफलता दोनों एक साथ लाई जा सकती है, और इसका उदाहरण हमारे सामने स्वयं श्री जमनालाल बजाज जी ने रखा है। वे प्रार्थना किया करते हैं, ये प्रार्थना जमनालाल जी की है, मैं लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे विवेक दे ताकि मैं ईमानदारी से व्यवसाय चला सकूँ और समृद्धि प्राप्त कर सकूं, और मुझे ये विवेक शक्ति प्राप्त हो कि मैं देश की और दुखी लोगों की सेवा में इसे लगा सकूं। आज जिन विभूतियों को पुरस्कार सम्मान किया गया है वे सभी गांधी जी के आदर्शों से अभी प्रेरित रहे हैं और सभी ने समाज में अपना एक ऊंचा मुकाम बनाया है। इन शब्दों के साथ मैं जमनालाल बजाज को नमन करता हूँ। उनके आदर्शों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए उनके नाम से जुड़ी इस संस्था के कार्यों की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस संस्था के माध्यम से अनेक मूर्धन्य समाज सेवियों, गांधीवादी विचारकों, रचनात्मक कार्य करने वालों तथा ग्राम विकास हेतु कार्य करने वाले लोगों को समाज के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। जय हिंद।